आफत की बारिश, नदियां आपे से बाहर, खेत खलिहान जलमग्न, बस्तियां टापू में तब्दील, हर मानसून में ये नजारा आम बात है। साल 2017 में यही मानसून असम और बिहार सहित कई राज्यों में आपदा बन गया। हजारों गांव जलमग्न हो गए, लाखों की तादाद में लोग बेघर हुए, सैकड़ों जाने चली गई और करोड़ों के माल का नुकसान चंद दिनों में हो गया। हजारों हेक्टेयर फसल नष्ट हो गई। बहुत यहाँ का लोग कठिनाई से रह रहा है। अब पानी इतना तेजी में चल रहा है, सब डूब जाएगा, एक घंटा के अंदर में डूब जाएगा, इतना पानी इसमें आता है। यहाँ पे हम 1 वीक से मतलब फंस रहा है, अभी जो डूबने वाली है घर पे, और थोड़ा होंगे तो घर पे पहुँचेगा पानी। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाऊँ, कैसे लेके जाऊँ। कितनों के घर डूबे हुए हैं, कितने लोग अभी भी फंसे हुए, जानवर फंसे हुए हैं, मर रहे हैं। बाढ़ की बात करें तो एक अध्ययन के मुताबिक भारत के 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से 24 राज्य बाढ़ संभावित हैं, यानी लगभग 400 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ जोखिम वाला क्षेत्र है, जिसमें से हर साल 77 लाख हेक्टेयर इलाका बाढ़ से प्रभावित होता है। हर साल इस आपदा से औसतन 1600 के करीब इंसान और तकरीबन 1 लाख जानवर मरते हैं। 35 लाख हेक्टेयर फसलें नष्ट हो जाती हैं और बड़े स्तर पर माली नुकसान होता है। आंकड़े बदलते रहते हैं, लेकिन हर साल ये आपदा देश के किसी न किसी हिस्से में दोहराई जाती है। सर्वे में ये भी देखा गया है कि उत्तर भारत में अपेक्षाकृत ज्यादा बाढ़ आती है। ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी तंत्रों की नदियों से जुड़े क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप बना रहता है। आम तौर पर नदियों की बाढ़ से ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा प्रभावित होते हैं। घरों का टूटना, मवेशियों का मरना, फसलें डूब जाने से इन क्षेत्रों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ता है। वहीं शहरी क्षेत्र भी बाढ़ के प्रभाव से मुक्त नहीं है। आसान शब्दों में तो जब आम तौर पर सूखी रहने वाली जमीन पर नदियों या अन्य स्रोतों का पानी क्षेत्र को डुबो दे, तो इस स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। बाढ़ के कई प्रकार हैं। आमतौर पर बाढ़ नदियों से जुड़ी प्रक्रिया है। मानसून के समय नदियों के चैनलों में पानी अधिक हो जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया धीमी गति से होती है, जिससे बाढ़ का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। कई बार अचानक नदियों का पानी बढ़ जाता है और कुछ ही घंटों में आसपास का क्षेत्र डूब जाता है। इसे फ्लैश फ्लड या आकस्मिक बाढ़ कहते हैं। इसका कारण है कम समय में बहुत ज्यादा बारिश या बादलों का फटना। फ्लैश फ्लड के लिए बांधों से छोड़ा जाने वाला पानी भी जिम्मेदार है।
नदी बाढ़ प्रभाव क्षेत्र से दूर बसे शहरों में भी बाढ़ देखने को मिलती है, जिसे अर्बन फ्लड या शहरी बाढ़ कहते हैं। तटीय आबादियों में चक्रवात और हाई टाइड के चलते भी बाढ़ की स्थिति बन जाती है। नदियों के पानी का बढ़ना प्रकृति के चक्र का हिस्सा है और आदिकाल से नदियों में ये उफान आते रहे हैं। बाढ़ का बहाव अपने साथ उपजाऊ मिट्टी और अन्य सामग्री लेकर आता है, जो मैदानी इलाकों की जमीन को उपजाऊ बनाती है। बाढ़ का पानी भूजल स्तर को भी व्यवस्थित करता है। बाढ़ से नदियां साफ होती हैं, ताजा पानी मिलता है, जिससे नदियों के आसपास जैव विविधता बनी रहती है। यानी बाढ़ के बहुत सारे प्राकृतिक फायदे हैं। नदियां खुद अपने आसपास बाढ़ क्षेत्र यानी फ्लड प्लेन भी तैयार करती हैं, जो आमतौर पर सूखा रहता है, लेकिन बाढ़ आने पर इसी क्षेत्र में पानी भर जाता है और उपयोगी भी साबित होता है। ऐसे कई कारण हैं जिनके चलते बारिश में बाढ़ की स्थिति बन जाती है तो विनाशकारी साबित होती है। ऐसे नदियों का धीरे धीरे उथला होना, कड़ी या सख्त मिट्टी क्षेत्र जिसमें पानी सोखने की क्षमता कम होती है, शहरीकरण और कंक्रीट का इस्तेमाल भी बाढ़ का एक कारण है। सड़कों के जाल, अंधाधुंध निर्माण के चलते बारिश का पानी धरती में नहीं जा पाता और ज्यादा पानी नदियों में पहुंचता है। इसके अलावा बदलता मौसम चक्र भी बाढ़ की एक बड़ी वजह है। बेतरतीब बसावट और जल निकास की कमी हर शहर में है। नाले और नालियों की समय पर सफाई नहीं होती, ऐसे में ज्यादा बारिश होते ही जल निकास व्यवस्था जाम हो जाती है। तालाबों कुओं की जो प्राकृतिक व्यवस्था थी वो भी खत्म हो चुकी है। चौतरफा कंक्रीट और सीमेंट निर्माण के चलते धरती की सोखने की क्षमता भी एक तरह से समाप्त हो चुकी है, जिससे पानी का बहाव ज्यादा होता है और शहर जलमग्न हो जाता है। तटीय शहरों में चक्रवात और हाई टाइड जैसी समस्या भी बाढ़ का कारण बन जाती है, जब समुद्र का पानी जल निकासी को रोक देता है। चेन्नई बाढ़ में इसी के चलते पानी आपदा बन गया था। शहरी बाढ़ से उलट बादल फटना एक प्राकृतिक घटना है। मौसम विज्ञान के मुताबिक बादल जब बहुत ज्यादा मात्रा में आद्रता यानी पानी लेकर चलते हैं और उनके रास्ते में कोई बाधा आ जाती है तो दबाव के चलते वो फट पड़ते हैं और एक सीमित क्षेत्र में कई लाख लीटर पानी एक साथ बरस जाता है। आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली इस घटना से कभी कभी भयंकर तबाही का सामना करना पड़ता है। पहाड़ों पर बनने वाली कृत्रिम झीलों के फटने से बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में यही हुआ और कुछ ही देर में तबाही की बाढ़ ने सब कुछ रौंद डाला। बाढ़ से सिर्फ जान माल का नुकसान भर नहीं होता, बल्कि एक लंबे समय के लिए बाढ़ग्रस्त इलाके में आर्थिक संकट पैदा हो जाता है, जिसका सीधा असर देश की आर्थिक उन्नति पर भी पड़ता है। फसलें तबाह होती हैं, जिससे किसान को नुकसान होता है, वहीं बाजार में अनाज की किल्लत पैदा हो जाती है। बाढ़ को रोकना तो संभव नहीं, लेकिन जरूरत इस बात पर जोर देने की है कि बाढ़ के दुष्प्रभाव से लोगों को कैसे बचाया जाए। भारत में बाढ़ नियंत्रण को लेकर कई तरह के उपाय किए गए हैं और विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें नेशनल फ्लड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम आदि शामिल हैं। केंद्रीय जल आयोग के तहत नदी प्रबंधन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए दो तरह के कार्य किए गए हैं,
संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक बांधों का निर्माण बाढ़ को नियंत्रित करने के संरचनात्मक उपायों में से है। इसके अलावा रिजर्वॉयर्स बनाए गए हैं। जोखिम क्षेत्रों में रेत बैग या पोर्टेबल इनफ्लेटेबल ट्यूब्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण मौसम और बारिश से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग का रोल अहम हो जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम को लेकर लगातार पूर्वानुमान चेतावनियां प्रेषित करता है, जिसे वो अपनी सूचना तंत्र पर डालने के साथ साथ संबंधित विभागों को भी भेजता रहता है। होने वाली बारिश के आधार पर मौसम विभाग के वैज्ञानिक ये अंदाजा लगा लेते हैं कि कितना पानी नदी चैनल में पहुंचेगा और कितने समय में किस क्षेत्र में बढ़े हुए पानी का असर नजर आएगा। इसके लिए नवीन तकनीक से सुसज्जित पूरी व्यवस्था है। सेंट्रल वाटर कमीशन हमारी फोरकास्ट के बेस पे जो आईएमडी फोरकास्ट देता है किसी पर्टिकुलर कैचमेंट के लिए कि यहाँ इतना क्यूपी यानी कि इतना मिलीमीटर रेन अगले 24 घंटे में या 48 घंटे में संभव है, तो सेंट्रल वाटर कमीशन उसको कैलकुलेट करता है वॉल्यूम में, यानी कि इतने मतलब स्क्वायर क्यूबिक मीटर पानी इस एरिया में आ जाएगा जो उस समय में 24 घंटे में होगा। फिर वो अपना फॉर्मूला लगाए क्योंकि वो कैलकुलेट करते हैं कि कितना पानी उसमें से सॉइल में चला जाएगा, कितना जो बॉर्डर जो वाटर बॉडीज होंगी डिफरेंट लोकेशंस में उनमें कितना स्टेग्नेट हो जाएगा, कितना रुक जाएगा और कितना पानी एक्चुअल में रिवर में जाएगा। केंद्रीय जल आयोग ने भारत मौसम विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्था NRSC की मदद से संयुक्त रूप से बाढ़ पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की है। इसके अंतर्गत पूरे देश में लगभग 157 बाढ़ पूर्वानुमान तथा चेतावनी केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों के द्वारा नदियों के बहाव और उसमें आने वाले परिवर्तन पर नजर रखी जाती है, साथ ही बारिश के आंकड़ों का कंप्यूटरीकृत आंकलन कर बाढ़ चेतावनी जारी की जाती है। सबसे सही तरीका है पूर्वानुमान। इसके लिए पूरे देश में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, उनके लिए हम जून से अक्टूबर तक बाढ़ पूर्वानुमान जारी करते हैं। औसतन तकरीबन 6000 पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं। इन पूर्वानुमानों के आधार पर राज्य सरकारें राहत और बचाव कार्य शुरू करती हैं। प्रभावितों को विस्थापित किया जाता है। ये दोहरा कार्यक्रम है। पहले राज्य सरकारें केंद्र से बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र स्थापित करने की मांग करती हैं। शुरुआत में पूरे देश में ये केंद्र नहीं थे। धीरे धीरे राज्य सरकारों की मांग पर नए केंद्र जुड़ते गए। प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी किसी भी स्थिति को सही वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उचित प्रशासनिक तालमेल के साथ नियंत्रित किया जाए तो नुकसान को लगभग शून्य तक लाया जा सकता है। ऐसा ही एक उदाहरण है सूरत शहर। अगस्त 2006 में उकाई बांध से अचानक छोड़े गए पानी से पूरा शहर डूब गया। सैकड़ों जाने चली गईं, अनुमान के मुताबिक करोड़ों की संपत्ति का नुकसान भी हुआ। 1994 के बाद क्षेत्र में ये तीसरी बड़ी बाढ़ थी। नुकसान कम से कम हो, इसके लिए ऐसी प्रणाली विकसित की गई जो उकाई बांध में वर्षा का पूर्वानुमान, बांध पर पड़ने वाले प्रभाव की सटीक जानकारी दे। इसके लिए एक दो चरणीय पूर्व चेतावनी सिस्टम विकसित किया गया। बाढ़ के दौरान समय रहते निवारक उपाय किए जा सके, इसके लिए सूरत नगर निगम को पहले से ही सूचित कर दिया जाता है। 2006 की बाढ़ के बाद से SMC ने प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित बस्तियां प्रदान करने का काम शुरू कर दिया। बाढ़ के पहले और बाद की स्थिति से निपटने के लिए एक व्यापक आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई, जिसके तहत गैर सरकारी संगठन, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित संस्थानों को प्रशिक्षित किया जाता है। शहर की जल निकास प्रणाली में भी काफी सुधार किया गया है। इसका प्रभाव इतना है कि सूरत में आपदा जैसी स्थिति पैदा नहीं होती। 2011 और 13 में बिल्कुल अफरा तफरी मच गई थी जब बाढ़ की स्थिति बनने ही वाली थी, लेकिन पहले से तैयार इस न्यूनीकरण प्रणाली के चलते प्रमुख भागीदारों को सूचित कर दिया गया। इस तरह दो बार शहर
इस तरह दो बार हम शहर को बाढ़ से बचाने में कामयाब रहे। बाढ़ प्राकृतिक घटना है जो हर साल दोहराई जाती है, लेकिन जब कभी भी 25-50 साल या उससे ज्यादा अवधि की बाढ़ आती है तो इस बीच किए गए बहुत से प्रबंधन नाकाम साबित होते हैं और बाढ़ बड़ी आपदा बन जाती है। हर नदी की अपनी क्षमता के हिसाब से धारा के दोनों तरफ बाढ़ मैदान अर्थात फ्लड प्लेन्स बनते रहे हैं। आमतौर पर सूखे रहने वाले ये क्षेत्र बाढ़ की स्थिति में पानी बढ़ने पर चौड़ी नदी धारा का रूप लेते रहे हैं, लेकिन उद्योग और अन्य निर्माणों के लिए इन फ्लड प्लेन्स का भरपूर इस्तेमाल किया गया। कहीं कहीं तो नदी चैनल तक पाट कर भर दिए गए हैं। इससे जब कभी भी 50 या 100 साल की बाढ़ आई तो भारी तबाही का जोखिम बढ़ गया है। ये चलन खराब है। इसे न सिर्फ आप अपने लिए बाढ़ पैदा कर रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी स्थिति बना रहे हैं। जब आप अतिक्रमण करते हैं तो फ्लड प्लेन को संकुचित करते हैं। ऐसे में अगर उतनी ही मात्रा और बहाव के साथ पानी निकलना चाहता है जो अतिक्रमण से पहले निचले स्तर पर निकल जाता था, तो अतिक्रमण के बाद वो पानी ज्यादा ऊंचाई से निकलेगा जो कि बाढ़ पैदा कर सकता है। बाढ़ को आपदा बनने से रोकने के लिए जरूरी है कि बाढ़ के साथ रहना सीखा जाए, उन क्षेत्रों के लिए अलग से तकनीक विकसित हो और जागरूकता फैलाई जाए। ऐसा हो भी रहा है। नेशनल फ्लड मैनेजमेंट कार्यक्रम के तहत फ्लड प्रोटेक्शन रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें फ्लड प्रूफ निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। जोखिम क्षेत्रों में फ्लड शेल्टर्स के निर्माण किए गए हैं। बाढ़ के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं, कुएं हैंडपंप भी डूब जाते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा समस्या शुद्ध पेयजल की होती है। इसके लिए भी नई तकनीक विकसित कर हैंडपंप उच्चीकरण योजना शुरू की गई है। जल निगम की सहायता से हैंडपंप्स को ऊंचा किया जा रहा है ताकि बाढ़ की स्थिति में हैंडपंप से स्वच्छ पानी मिलता रहे। इसी तरह सैनिटेशन की समस्या को हल करने के लिए हाई राइज शौचालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। पानी के प्रदूषित होने के कारणों में एक है जब प्रदूषित तत्वों को साथ लेकर चल रहा बाढ़ का पानी पेयजल स्रोतों में मिल जाता है। तो अगर हम क्षेत्र में बाढ़ के समय सबसे ज्यादा पानी के स्तर के अनुभव के आधार पर हैंड पंप्स की ऊंचाई को बढ़ा देंगे तो हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि अगर बाढ़ आती भी है तो पेयजल स्रोत प्रदूषित नहीं होंगे। ये एक आसान उपाय है जो कई जगहों पर अपनाया गया है। इनकी सहायता से हम इस्तेमाल करते हुए अपने साथी को अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये कुछ बोतल्स हैं। बोतल्स खाली करके इनके ढक्कन को बंद करें और ये रस्सियाँ का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से बांध लें और बांधते हुए ध्यान रहे कि इन बोतल का जो ढक्कन है, ढक्कन की डायरेक्शन पीठ के नीचे की डायरेक्शन में होनी चाहिए ताकि अगर वाटर का फ्लो होता है तो अगर इनका ढक्कन भी खुल जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नीचे की डायरेक्शन में हो। बम्बू होते हैं, वुडन होती है, लगभग 6-7 फीट लंबे वुडन होते हैं, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करें और रस्सियों का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से बांध लें। और इवन ये नहीं एक ही व्यक्ति को नहीं बल्कि ये 3-4 व्यक्तियों को भी बचा सकता है। दोनों साइड में एक इधर से पकड़े, एक इधर से पकड़े, एक इधर से पकड़े, एक इधर से, और साइड में हाथ हिलाते हुए जा सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर बचा कर ले जाएंगे। इस प्रकार से बनाकर हम
वुडन लगभग 6-7 इस तरीके से बनाकर हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर कोई छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चे तो हाथ पैर ऐसी डायरेक्शन में नहीं हिला सकते, तो उनको इसमें बैठा सकते हैं कि लगभग 6-7 फीट लंबे ये बांस हों, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करें और डायरेक्शन में साइड में इस तरीके से बांस को जोड़ दें। देख रहे हैं ना कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है, और इसमें छोटे बच्चों को बैठा कर भी, और जो बड़े होते हैं वो क्या करें, डायरेक्शन में बाहर से उसको सपोर्ट देते हुए बाहर जा सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते हैं। नवीन तकनीक के इस्तेमाल से हम आपदा प्रबंधन में काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जरूरत है हम प्रकृति के चक्र को समझें और उसके साथ मिलकर रहना सीखें, ताकि बाढ़ जैसे जोखिम हमारे लिए आपदा ना बने। अगर आप बाढ़ जोखिम क्षेत्र में रहते हैं तो स्थानीय प्रशासन से पूरी जानकारी हासिल करें, समय समय पर NDMA द्वारा दी जाने वाली ट्रेनिंग का हिस्सा बने, तैयारी पहले से करके रखें, बाढ़ के दौरान इस्तेमाल होने वाली किट खुद भी तैयार करें और आस पड़ोस को भी इसकी जानकारी दें, सतर्क रहें। याद रखें, आपदा प्रबंधन में सबसे जरूरी तथ्य है सामाजिक भागीदारी, जिससे आपदा के समय फौरी तौर पर न्यूनीकरण का कार्य शुरू होता है। बस जरूरत है जागरूक होने की और सतर्कता बरतने की।